तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि यहाँ पर डॉक्टरों से संवाद कर रहे हैं, जो कि आज अलग अलग कार्यक्रम हैं और इस बीच उन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में तमाम डॉक्टर यहाँ पर जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम जो अधिकारी हैं वो अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए हैं, संवाद किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस बीच यहाँ पर और भी अन्य कार्यक्रम हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को धनराशि भी दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और लाभार्थियों को धनराशि दे रहे हैं सीएम योगी। पीएम स्वामीनिधि योजना के लाभार्थियों को धनराशि दी है सीएम योगी ने, और आप बता दें कि लाभार्थियों से संवाद भी कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर पीएम आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उन्हें ये सौगात मिल रही है और जो लाभार्थी हैं वो लाभान्वित यहाँ पर हो रहे हैं। सीएम योगी अधिकारियों के साथ यहां पर मौजूद हैं, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को धनराशि दे रहे हैं। हाँ नमस्ते, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला है? कितना पैसा अब तक मिला है? पहला किस्त मिलेगा आपको है? आपको अपना चयन करवाने के लिए किसी को पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर। कोई सिफारिश की आवश्यकता? नहीं, नहीं। पैसा आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अभी पैसा आपके खाते में चला गया अभी? थैंक यू सर। आप उसको देख रही? अभी अभी यहाँ से हम लोगों ने क्लिक किया है, पैसा सीधे आपके खाते में पहुँच गया है। तो ये पैसे इस पैसे से आप मकान अपना बनाएंगे? परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर हम तीन सदस्य हैं। हाँ, एक बेटी है। अच्छा, एक बेटी है, एक आपके पति हैं और एक आप हैं। पति क्या करते हैं आपके? दैनिक मजदूरी करते हैं। अच्छा अच्छा अब देखिए, आपका ये मकान बन जाएगा, आप समय पे पैसा इसी कार्य पे खर्च करवाइए, ठीक है ना? तो अच्छा मकान आपका बन जाएगा, 2.5 लाख रुपया आपको मिलेगा इसके लिए, ठीक है? तीन अलग अलग किस्त में 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। इस पूरे पैसे से अपने मकान को अच्छा बना देंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि 2022 तक हर जरूरतमंद को एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। तो देखिए, सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति के लिए एक अच्छा आवास भी आवश्यक है, और उसी के क्रम में ये धनराशि आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आपको किरण जी, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। आज जन्माष्टमी भी है, जन्माष्टमी के अवसर पर ये आवास आपको उपलब्ध हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बधाई आपको। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से अगला जनपद प्रयागराज आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, श्रीमती सुशीला। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सुशीला जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं सर। आपका आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको अब तक कितना पैसा मिल गया है? अच्छा, तो यानी 2.5 लाख रुपया आपको मिल रहा है, ये यानी आज 50,000 रुपया, यानी 2 लाख रुपया आपको अब तक मिल चुका है ना? सर हमको 2 लाख मिल चुका। तो ये जो पैसा आपको अब तक मिला है, इससे मकान ही बनाया या कुछ और कर दिया है? योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाभार्थी हैं क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, और जो पैसा है जो 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है सरकार की ओर से वो सीधा इन लाभार्थियों के खातों में पहुँच रहा है। आपको बता दें जो पैसा है वो तीन किस्तों में यहाँ पर पहुँच रहा है, पहली किस्त आज ट्रांसफ़र कर दी गई है, और जो लाभार्थी हैं वाकई में कह सकते हैं कि एक बार फिर से खुश नज़र आ रहे हैं। जो उनका आशियाना है एक बार फिर से तैयार होगा और वो अपने मन से जो जैसा उनको घर चाहिए था वो वैसा घर बनवा सकते हैं,
और इसके लिए यहाँ पर जो गरीब परिवार हैं उनकी जो आशा है अब वो आशा इनकी पूरी होगी। और परिवार को लेकर यहाँ पर जिस तरह से गरीबी में जी रहे थे और छत नहीं थी रहने के लिए, अब इन गरीब परिवारों के पास भी अपना स्वयं का घर होगा और वो इस मकान में परिवार रह पाएंगे। तो इसके लिए बाकायदा यहाँ पर योगी सरकार पूरी मदद भी कर रही है, लाभार्थियों को धनराशि दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और लाभार्थियों से ये सीधा संवाद किया जा रहा है। और हर जरूरतमंद को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बिना सिफारिश के मिल रही हैं। आपको ये 2 लाख रुपया जो अब तक मिला इसमें किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, हमको किसी की नहीं। किसी को घूस देने की आवश्यकता भी तो नहीं पड़ी होगी? नहीं, हमसे कोई घूस भी नहीं। चलिए बहुत सुंदर, खाते में ना रहे पैसा जाता। हाँ, तो पैसा सीधे खाते में जा रहा है, यही हमारी सरकार की उपलब्धि है। आपको देखिए सुशीला जी, आपको और आपके जितने भी अन्य ऐसे प्रयागराजवासी हैं, वहां पे हमारे विधायक गण हैं, माननीय सांसद जी भी हैं, इन सबके सहयोग से देखिए सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। महापौर भी वहां पर हैं, देखिए ये लोग मेहनत करते हैं, यहाँ पर शासन में पहल करते हैं, तो आप जैसे लोगों को सुविधा का लाभ मिलता है। इसलिए आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को जन्माष्टमी के अवसर पर जो इस सुविधा प्राप्त हो रही है, सभी लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपको भी, मेरे परिवार की उपलब्ध में आपको भी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से निवेदन करूंगा, श्रीमती रेशमा खातून जनपद झांसी लाइन पर आए। नमस्कार। हाँ नमस्ते, कैसे हैं रेशमा जी, आप कैसी हैं? जी सर, मैं सही। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का आज जो है पैसा जा रहा है आपके खाते में? जी सर। ये मकान के लिए आपका सिलेक्शन हो इसके लिए आपको किसी की सिफारिश कराने की आवश्यकता पड़ी थी क्या? नहीं सर। स्वयं सिलेक्शन आपका हो गया ना? आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। पति क्या करते हैं आपके? फर्नीचर का काम करते हैं सर। फर्नीचर का काम करते हैं। और क्या क्या सुविधा मिल रही है आपको? जी, सुविधा मिली है, गैस सिलेंडर मिला है, राशन कार्ड है, यही सुविधा मिली है। राशन कार्ड से आपको जो है राशन कार्ड से राशन मिल रहा है? मिला है। उसमें कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ती ना? नहीं सर। और ये रसोई गैस के सिलेंडर के लिए भी कोई सिफारिश और कोई घूस की आवश्यकता तो नहीं पड़ी होगी? नहीं सर। और ये मकान के लिए भी आपको सिफारिश और घूस देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी? नहीं सर। तो देखिए, अच्छी सरकार जब आती है तो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ ऐसे ही देती है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की यही इच्छा है कि हर गरीब को बिना भेदभाव के, हर जरूरतमंद को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिले। इसी के लिए हमारे जो वहाँ पे विधायक गण, सांसद जी बैठे हुए हैं, या महापौर जी बैठे हैं, माननीय विधायक जी बैठे हैं, ये सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हर गरीब को चेहरा देख करके नहीं, उसकी जरूरत के हिसाब से शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जाए। और आज आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का यह पहली किस्त 50,000 रूपये की आपके खाते में सीधे जा रही है। पैसे 50,000, इस पैसे का उपयोग मकान बनाने में ही करना, ठीक है ना? जिससे फिर अगले किस्त आपको 1.5 लाख की मिल जाएगी, फिर उस पैसे से आप मकान पे लगा देंगे तो तीसरी किस्त फिर 50,000 की मिल जाएगी, तो 2.5 लाख रूपया मिलेगा। तो 2.5 लाख रूपये से अच्छा मकान आपका बन जाएगा, तो आपके बच्चों को स्कूल पढ़ा रही हैं कि नहीं पढ़ा रही हैं? जी, पढ़ा रही हैं। हाँ, तो इनको स्कूल पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, तो ये बच्चे आगे बढ़ करके बड़ा नाम करेंगे फिर, ठीक है? चलिए, आपको रेशमा खातून जी, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को और अन्य जितनी बहनें वहां बैठी हैं, इन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, और अपने जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देता हूं कि इनके द्वारा पहल की जाती है और शासन से योजनाओं का लाभ आपको उपलब्ध कराया जाता है। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं श्रृंखला में नगर पालिका परिषद मिर्जा चाहूंगा। निर्मला जी कैसे हैं आप? नमस्ते। आपको आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त जा रही है आपके यहाँ, तो आपको मकान मिल गया, मकान आपने जो दो लाख रुपया मिला है पैसा आपको पूरा मिल गया था? दो किस्त मिला है, ये किस्त आ रही है। ये किस्त आज चली गई है। आपसे तभी हम बात कर पा रहे हैं जब पैसा आपके खाते में जा चुका है जी। और नहीं तो पंडित जी बैठे हैं बगल में, हमसे चैन से कहाँ बैठने देंगे हम लोगों को। ये पैसा आपके खाते में चला गया है तीसरी किस्त का भी, लेकिन जो दो किस्त आपको दी गई इससे पहले इसमें कोई सिफारिश की आवश्यकता, कोई घूस की आवश्यकता तो नहीं पड़ी थी? नहीं। मकान पे पैसा खर्च किया? हाँ, मकान मिला है। अच्छा, क्या 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 इससे पहले और कोई सुविधा आपको किसी अन्य योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला है? हाँ, मिला है सर। क्या क्या मिला है? हाँ, हाँ, उजाला सिलेंडर मिला है। हाँ, और आयुष्मान भारत का कार्ड भी बना है, 5 लाख रुपए सालाना। हाँ, इसका भी मिला होगा ना। राशन कार्ड है कि नहीं है? हाँ, राशन कार्ड है। राशन कार्ड भी है, ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, एक ये लाभ पहले भी मिल सकता था ना, लेकिन नहीं मिला। पिछली सरकारों का एजेंडे में विकास था ही नहीं, गरीबों का हित था ही नहीं, उनके तो स्वयं का विकास हो, खानदान का विकास कराने में सब लोग लगे हुए थे। आज सरकार का एजेंडा साफ है कि बिना भेदभाव के हर एक गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, नहीं तो किसी स्ट्रीट वेंडर को कोई लोन देता ही नहीं था, पुलिस उल्टा वसूल करती थी। लेकिन आज सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि बिना भेदभाव के हर गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, एक। दूसरा, अच्छे जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं आप लोग, अच्छे विधायक चुनते हैं, अच्छा चेयरमैन चुनते हैं, तो वे लोग पहल करके फिर इन योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसीलिए आपको देखिए राशन भी मिल रहा होगा, पहले राशन भी बड़ी दिक्कत होती थी, राशन गरीब के नाम पे राशन कार्ड वितरित तो होते थे लेकिन राशन उस गरीब को मिल नहीं पाता था। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर किसी को मिलता ही था ही नहीं, आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड किसी को मिलता ही नहीं था, गरीब बेचारा देखता रह जाता था। लेकिन आज योजनाओं का लाभ सीधे मिल रहा है और कोई घूसखोरी नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा तो सीधे हरेक गरीब के खाते में जाना है, जो घूसखोरी करेगा तो दूसरी तरफ से जेल का रास्ता उसके लिए खुला रहता है। एक तरफ से अगर पैसा लिया तो दूसरी तरफ जेल और फिर संपत्ति जब्त। आप ही के बगल में भी चला होगा बुलडोजर, कहीं चला कि नहीं चला? चलिए, बहुत सुंदर। निर्मला जी, आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। ये तीसरी किस्त का पैसा भी आपके खाते में चला गया है और जन्माष्टमी के दिन मां विंध्यवासिनी धाम में रह करके आपको ये तीसरी किस्त जा रही है। हमारी तरफ से मां विंध्यवासिनी मंदिर में जाके प्रणाम करिए और मां को मां का आशीर्वाद लीजिए, ठीक है ना? बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं गोष्ठी का रूप केंद्रीय उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर नगर पंचायत धारवाद में चुनाव करता हूँ। जनपद बारामती श्रीमती मंजू गौतम जी, नगर पंचायत धारवाद। हाँ मंजू जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आज तीसरी किस्त जा रही है आपके लिए? जी सर, मिल गई।
मिल गया ना, आप तो जो है पूरा अपडेट रहती हैं हमेशा कि आपको पता है कि बैंक में कितना पैसा जा रहा है। अच्छा फोन पे, हाँ तो देखिए आपके खाते से कोई जबरदस्ती पैसा निकाल नहीं पाएगा। हाँ आपको ये दो किस्त पैसा मिला है, पूरा पैसा मिल गया था किसी की सिपाही? हाँ हाँ, एक पैसा 50,000 का फिर पैसा आ गया आपके खाते में। मकान वगैरह की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है। बना लिया है मकान? हाँ सर, दो कमरे बने हैं। हाँ और जो हाँ किचन बना है, बाथरूम बना है। हाँ शौचालय भी बना है। बहुत सुंदर, तो आपने तो अच्छा मकान बना दिया। आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं सर। अच्छा मजदूरी का काम करते हैं। आपको किसी अन्य योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? मिला सर। क्या क्या और मिला है सरकार से? हाँ बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। और जो है ये जो है आपको रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिला? जी नहीं मिला, मेरे पास पहले से था। अच्छा पहले से है आपके पास है? हाँ। चले बहुत सुंदर, और भी जो योजनाएं होंगी सबका लाभ मिलेगा। जी ठीक है ना, ये मकान आप अच्छे ढंग से बनवा दीजिए। हाँ तो बंद, तो देखिए जन्माष्टमी के दिन आज आपको इस योजना का भी लाभ मिल जा रहा है। तो आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। आप इस मकान से अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आप देखिए योजनाओं का लाभ जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुने जाते हैं, ऐसे मिलता है। हाँ बोलिए क्या। हाँ धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, शुभकामनाएं, अभिनंदन। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं सर की अनुमति से प्रधानमंत्री आवास योजना का अध्याय इसको संपन्न करते हुए और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के संवाद को प्रारंभ करता हूँ। आपके संज्ञान में है कि 650 नगर निकायों के 50,000 से ज्यादा लाभार्थी इस समय इस संवाद से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम जनपद आगरा में श्री पवन, कृपया वहीं पर आदेश प्रश करें। हाँ नमस्ते पवन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आप क्या करते हैं? मैं सिंधुग्राम में चाय का ठेला लगाता हूँ। अच्छा आगरा में। आपको पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कुछ कितने का लोन मिला है? पहले सर हमको 10,000 रुपए का मिला था, फिर उसको हमने चुका दिया तो 20,000 का ले लिया। वाह, कितने की चाय बेच लेते हैं एक दिन में? एक दिन में सर 12,000। वाह आप बहुत सुंदर। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ये पैसा जो है बैंक से प्राप्त पैसा आपको इस निधि के अंतर्गत मिले, इसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई? आपने अपने को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? हाँ सर, पेटीएम से करते हैं, भारत पे से करते हैं। वाह देखिए आप तो बहुत, इसमें और भी जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं इन सभी को भी आप इसके बारे में अवगत कराएंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा लोगों को। इसमें मैं पूरी अपने मोहल्ले में आसपास काफी इसका वो किया था सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा बताइए पवन जी, आप बताइए आपको सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला है? सरकार की हमें हमको एक तो राशन की योजना का लाभ मिला सर। हाँ दो लोग राशन मिल रहा था। हमें उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। तीसरा जनधन खाते का, ठीक है मिला। ठीक है और हमको एक गैस का लाभ मिला सर। गैस का मिला होगा, ये इसमें नहीं मिला आपको? ये जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ वो फॉर्म लेकर अभी आया नहीं है। ठीक है वो भी आएगा, चिंता मत करिए सभी। अगर आपके पास
शहरी क्षेत्र में जमीन है या जर्जर मकान है तो पीएम आवास योजना के लिए आप लाभार्थी किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है ना? हाँ हाँ नहीं ठीक है, जरूर जमीन है तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पवन जी, आप जिस तरीके से आपने डिजिटल पेमेंट के साथ अपने आप को जोड़ा है, सभी स्ट्रीट वेंडर्स को भी ऐसे जोड़ेंगे तो अतिरिक्त लाभ भी आप कमाने में सफल हो जाएंगे और शासन की योजनाओं को तेजी के साथ अपने और अपने अपने सहयोगियों को देने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मैं आपको और आपकी पूरे टीम को, सभी जितने भी वहां पर हमारे जनप्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं जिनके सहयोग से सभी कार्य हो पाता है, उनको भी धन्यवाद देता हूं और आप सबको मैं बधाई देता हूं कि पीएम स्वनिधि का निधि का लाभ आपको प्राप्त हुआ है। आपको एक बात कहना चाहूंगा सर। हाँ जी बताइए। स्ट्रीट वेंडरों के बारे में आपने जो सोचा वो किसी सरकार ने नहीं सोचा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। नहीं, हम लोग तो ये चाहते हैं कि सभी स्ट्रीट वेंडर का व्यवस्थित पुनर्वास हो और इनको शोषण से मुक्त करके प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर इन्हें भी आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा सके, इस दिशा में सरकार